वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नया निजाम, नई व्यवस्था और मस्जिद परिसर में नमाज भी। न सड़क अवरुद्ध हुई और न ही नमाजियों को नमाज अदा करने के लिए मस्जिद से बाहर सड़क पर बैठना पड़ा। कहीं कोई परेशानी नहीं, न नमाजियों को और न ही सड़क बाधित होने से राहगीरों को। अलबत्ता पुलिस की भारी मौजूदगी जरूर कुछ ऐसे संकेत कर रही थी कि अगर शासन का निर्देशों का पालन न हुआ तो गर्मी बढ़ सकती है। हालांकि रोज से ज्यादा आज तापमान स्वतः ही अधिक था। सभी की नज़र लगी हुई थी कि आज नमाज मस्जिद के भीतर ही अता होगी अथवा नहीं। यह बात दीगर है कि आज मस्जिदों के संचालकों ने पहले से ही बैनर लगाकर यह ताकीद कर दिया था कि नमाज मस्जिद के भीतर ही अता की जाए, सड़क पर नहीं। इसके अलावा आज मस्जिदों से वे लाउडस्पीकर भी हटा दिए गए थे जिनकी आवाज़ दूर तक जाती है। यदि किसी वजह से हट नहीं पाए तो उनकी आवाज़ को मस्जिद परिसर तक ही समेट दिया गया। आज यूपी में 31,000 से ज़्यादा मस्जिद स्थलों में अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की गई। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। अब से पूर्व मेरठ के इमलियान मोहल्ले में स्थित मस्जिद के बाहर यातायात अवरुद्ध कर शुक्रवार अथवा अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की जाती थी। नमाजियों की भीड़ को देखते हुए यह रास्ता भी स्वयं यातायात पुलिस बंद करती आई है। लोगों को रास्ता बदल कर आगे बढ़ना पड़ता था, लेकिन अब हालात बदले हुए हैं। लाउडस्पीकर व हनुमान चालीसा को लेकर छिड़ी बहस के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के साथ यह निर्देश भी दिए हैं कि नमाज मस्जिद परिसर में ही पढ़ी जाए, बाहर सड़क पर नहीं। उनका यह भी कहना है कि धार्मिक आयोजन किए जाएं, लेकिन दूसरे को परेशानी में डालकर नहीं। आज इमलियान मस्जिद के बाहर तैनात पुलिस क्षेत्राधिकारी कोतवाली अरविंद चौरसिया ने यह जानकारी दी। देखिए, सभी जो मस्जिदें हैं वहाँ पर सभी धर्म गुरुओं से बात हो गई है और हमारे प्रशासन के लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं। सभी लोग आपस में तालमेल करके वहाँ पे जुम्मे की नमाज, अलविदा की नमाज अदा करा रहे हैं। ये अमन की नमाज है, सभी लोग इसको अमन की नमाज के तौर पे ले रहे हैं और उसमें बस प्रिकॉशन के तौर पे हम लोगों ने यही कहा है कि सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, परिसर में ही नमाज पढ़ेगा। उसको सभी धर्मगुरुओं की मदद से इंश्योर भी कराया जा रहा है। सर, किस तरह से पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं की गई? देखिए, पुलिस की ड्यूटी लगभग हर मस्जिद पे लगाई गई है और सबका वहाँ के धर्मगुरुओं से समन्वय स्थापित कराया गया है, जिससे सारी चीज़ें उन्हीं के हिसाब से मैनेज करते हुए उन्हीं के लोगों के द्वारा, कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा मैनेज की जा रही है। हम लोग उनके सहयोग में उसको, जो भी शासन की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक इस कार्य को संपादित करा रहे हैं। क्या सर, लाउड स्पीकर का वॉल्यूम भी कम कराया गया है या नहीं? देखिए, जो भी माननीय हाईकोर्ट का आदेश निर्देश है और जो शासन के निर्देश हैं उसके हिसाब से सभी लोग उसमें अनुपालन कर रहे हैं। वहीं मस्जिद कमेटी के पदाधिकारी का यह कहना था, जो शासन के दिशा निर्देश हैं उसी के आधार पर ये नमाज कराई जा रही है। निर्देश ये थे कि भाई कोई भी आदमी सड़क पर नमाज ना पढ़े, कोई भी आदमी सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा, सभी लोग मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ रहे हैं। लाउड स्पीकर की बात की जाए तो किस तरह से उसका वॉल्यूम सेट कराया गया है, क्योंकि लाउड स्पीकर को लेकर के निर्देश है? जो पहले यहाँ 6 लाउड स्पीकर थे, 5 हमने उतरवा दिए हैं, 1 बचा है उसके भी वॉल्यूम कम करा दिए गए हैं, ताकि इतने करा दिए कि लोगों की बात समझ में आ जाए, बस बहुत लंबा नहीं, कोई शोर ना हो, कोई शोर शराबा ना हो। हम तो दरअसल शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने वाले लोग और पालन कर रहे हैं और आप देख रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।